मम्मा आज क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ सूखे आलू ठीक बिना है छीले और साबुत धनिया वाले। ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या ले रहे हो आप? इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए, इनको रगड़ के अच्छी तरह धो लिया है और साफ कपड़े से इनको रगड़ के पोंछ लिया है मैंने, अगर हमने बहुत जल्दी बनाने हो, ओके, मतलब अगर अचानक अभी बनाने हो इंस्टेंट इनको। आलू हाँ बनाने हो जल्दी हाँ तो इनको धो के और सूखे कपड़े से पोंछ लो। पोंछ लिया, इनको छीलना नहीं है। ठीक है, तो आपने मैंने आधा किलो आलू ले लिए, ये इनको छीला नहीं है मैंने। और इन बिटवीन मैं तेल गरम कर, 1/3 कप मैंने सरसों का तेल लिया, ठीक है इसको स्मोकी होने तक मैं गरम करूंगी। ठीक है। 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है इसमें, ठीक है। और थोड़ा सा हरा धनिया है, और चुटकी में हींग डालूंगी, बिल्कुल चुटकी सी। ठीक है और इनको अब मैं आलूओं को काटना शुरू करूंगी। ठीक है। आप लंबे लंबे डाइसेस काट दे, ना मोटे हो ना पतले हो, ठीक है आधा आधा इंच के हों। ठीक है। तो मम्मी ये आलू किसी पैन में बनाए, कढ़ाई में बनाए या कैसे? हमेशा खुले पैन में बनाए ऐसे में। ठीक है, आप कोशिश करें कि आपका जो पैन हो वो थोड़ा सा बड़ा हो, उसका सरफेस एरिया बड़ा हो थोड़ा, अदरवाइज कोई बड़ी कढ़ाई हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं। आलू कट गए हैं, इनको मैं एक बार फिर रगड़ लूंगी अच्छी तरह से, ताकि ये पानी जो थोड़ा बहुत भी इसमें नमी है वो सूख जाए। इसका पर्पज ये है कि आलू आपके चिपकेंगे नहीं। ओके, मतलब पैन में आलू चिपकेगा हाँ, नहीं। और कुरकुरे बनेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सूख गए, में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। ठीक है, और आलू कभी भी छीले ना जब भी आप बनाए तो। ये वाले आलू। हाँ, ये वाले आलू। ठीक, बिना तेल गरम हो गया, मैं 1 चुटकी हींग डाल रही हूँ और साबुत धनिया डाल दूंगी मैं। साबुत धनिया को थोड़ा सा लाल होने दूंगी, धनिया लाल हो गया है, अब मैं ये आलू डाल रही हूँ। ओके, इसमें जीरा नहीं डलेगा? नहीं, जीरा नहीं डलेगा, धनिया का ही टेस्ट इसमें बढ़ के आता है। अभी अगली लाइन में बोल देना, कोई बात नहीं, आप खुद बोलना, अब बोलना इस तरह। इसमें धनिया का टेस्ट बहुत उभर के आता है, इसलिए जीरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती। अब 2-3 मिनट के लिए इसको सिम पे ढक देना है, और इसको मैं ढक दूंगी। मेरा पैन बहुत पुराना है, 15-20 साल पुराना है, तो इसका ढक्कन वक्कन पता नहीं, तो मैं ये प्लेट ही इस पर ढक देती होती हूँ। ठीक है, तो ये 2-3 मिनट के लिए ढकना है? 2-3 मिनट के लिए फिर हम इसको फेर देंगे। अब तो इसमें नमक मिर्च हल्दी कुछ भी नहीं डाली है मैंने। तो आप इसको भी सिम पे बना रहे हो? सिम पे बिल्कुल। 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इनको हिला दूंगी, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। हाँ, इजीली आराम से हो रहे हैं। इसके बाद इसको फिर ऊपर नीचे करके 2-3 मिनट के लिए फिर ढक दें। 2 मिनट हो गए, हमारे आलू देखिए हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, गोल्डन। ठीक है, हाँ जी, हल्के हल्के। तो इस वक्त मैं देखूंगी, अभी हल्का सा है, 2 मिनट हम इसको और रखेंगे। ओके, मतलब 80% अगर आलू डन हो जाए तो वो आलू थोड़ा टूटने लग जाएगा, तो यही इसकी पहचान है। तो अभी आप इसको 1-2 मिनट के लिए और रखोगे? हाँ बिल्कुल, इसको ढक के रख दूंगी मैं। बट आप इंश्योर करें कि कोई नमक मिर्च हल्दी समय कुछ नहीं डालना है, सिर्फ ये आलू साबुत धनिया और हींग और में ही सिर्फ बन रहा है। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम देख रहे हैं कि हमारे आलू ऑलमोस्ट मुझे डन लग रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल चला गया चक्कू आराम से। ठीक है, तो इस टाइम में गोल्डन ब्राउन भी हो रहे हैं हल्के हल्के, तो इस टाइम में इसमें डालूंगी नमक। ठीक है, नमक मैं ज़्यादातर हाथ से ही डालती हूँ, हाथ में 5 तत्वों की शक्ति होती है। हल्दी इसमें कम डालें और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। हल्दी इसमें आपने बिल्कुल कम रखनी है, ज्यादा हल्दी नहीं रखनी है आपने। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। दिखाओ चिली फ्लेक्स। ये मैंने अपनी वीडियो डाल रखी है कैसे बनाते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में जाकर। तो इसमें 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स डालूंगी, 1/2 चम्मच है काली मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच। हाँ। अब इसको मैं मिला दूंगी आराम से। चिली फ्लेक्स डालते ही आलूओं का कलर एकदम निखर के आ गया है। हमने इसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाली है, जो हमने उस दिन चिली फ्लेक्स की वीडियो बनाई है आप लोगों ने देखी होगी, तो वही चिली फ्लेक्स हमने इसके अंदर यूज किए हैं। बस 1 मिनट के लिए हम इसको ढकेंगे ताकि नमक मिर्च इसमें जज्ब हो जाए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। आलू हमारे बन गए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज रहने दें।
तो अब हमारी ये आलू की सब्जी सॉरी सूखा आलू बनके तैयार है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छे लगेंगे और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। हमारे घर में तो ये ऑल टाइम फेवरेट हैं, ज़रूर बनते हैं ये आलू। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।